Hello students. Okay, today we start the. We are going to start 14.1. जो remaining समय वो complete करेंगे. Okay बच्चों, तो let's start. आपने देखे थे तीन methods. कौन से तीन methods थे? Direct methods. Second, assuming method and third step deviations. CBSE वाले बच्चे को step deviation methods नहीं है. State board में is possible है. Right? तो दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता दूंगा ओके कि स्टेप डेविएशन मेथड मतलब आपको कैसे सॉल्व करना है. चलो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे नंबर ऑफ द हार्ट बीट्स इन पर मिनट इज गिवन दैट नंबर ऑफ वुमेन्स वो हमारी फ्रीक्वेंसी है. हम लोग एक्सुमिन मेथड से करें, सुटेबल बोला है क्योंकि डेटा थोड़ा लार्ज है. ओके मतलब क्लास लेंथ वाला. अब क्लास मार्क्स डी आई एक्स एम माइनस एंड एफ आई डी आई राइट. ओके चलो क्लास मार्क्स सबसे पहले तो इन दोनों का टोटल बाय 2 पहले. ओके और क्लास इंटरवल क्या है यहाँ पे. ओके या क्लास लेंथ भी कह सकते बच्चों. तो क्लास लेंथ है ओके हियर 68 है तो 65 66 67 68 को नहीं ले सकते तो दैट मींस 3 है. ओके नो प्रॉब्लम्स, इन दोनों को ऐड कर दो. 65 क्लास मार्क्स आपको लाना है ना. 13 कैरी फॉरवर्ड ओके सो कितना होगा 133 बाय 2 सो 133 बाय 2 सो 6R राइट. फर्स्ट वन इज अ 6R यू कट इट 6 सो 6 एंड 5 सो योर फर्स्ट इज अ 66.5 कितना हो गया 66.5 राइट. चलो तो आगे बढ़ लेते हैं. उसके बाद यहाँ पे आप इंडिकेट करोगे 69.5 प्लस आप ऐड कर रहे हो 3 को. ओके तो अल्टीमेटली राइट फिर 75.5 प्लस 3 ऐड करते जाओ 78.5 ओके प्लस 3 और ऐड कर दो 81.5 एंड 83.5 तो आपने सारे के सारे क्लास मार्क्स यहाँ पे आपने फाइंड आउट कर लिए. ओके फिर से एक बार चेक कर लेते 1 एंड 3 ओके तो शायद कोई रॉन्ग ना हो इसीलिए 81 यहाँ पे 84 हो जाएगा प्लस 3 है. ओके बाकी तो इट्स ऑल आर करेक्ट राइट. प्लस 3 ऐड करते जाते हैं आगे हमें क्वेश्चंस का आंसर मिलता जाएगा राइट. ओके चलो क्लास वहां के मैंने क्या बताया था एक्साइम में से आपको एजम्पशन करना है 1 2 3 1 2 3 तो आई एजम्पशन दिस फॉर ए तो 0. चलो 66 यहाँ पे देखो पहले 7 तो क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा क्योंकि दिस माइनस दिस माइनस 6 एंड माइनस 9 ठीक वैसे 369 चेक करो क्योंकि इक्वल क्लास होता है इसकी वजह से राइट. चलो अब एफ आई डी आई करेंगे बच्चों. इरा एफ आई कॉलम 2 और कॉलम 4 का मल्टीप्लीकेशन कॉलम 5 देता है सो माइनस 18 यहाँ पे माइनस 24 ओके माइनस 9 0 ए हो गया 21 ए हो गया 24 और ए हो गया 18 राइट. पहले रिमूव कर दो जो सेम लगता है 18 कट ओके इन दोनों का टोटल होता है 45 ओके 45 इन दोनों का राइट. और इन दोनों का जो होता है वो कितना होगा 633 माइनस कर देते हैं आपको कितना मिल गया पॉजिटिव 12 इस पे आपका गया एफ आई डी आई समेशन ऑफ और फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देते हैं फ्रीक्वेंसी कॉल द समेशन एफ आई तो टोटल कितना है तो बहुत सिंपल है 10 17 ओके 6 एंड 13 ओके एंड 7 17 ओके हो गया 30 राइट. ये टोटल कितना मिल गया आपको 30 राइट. ओके 6 9 9 एंड 8 17 17 30 23 23 24 24 एंड 6 ओके 30 राइट. चलो मीन की फॉर्मूला एज्यूमिंग मेथड है तो मीन क्या है x इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी राइट. बहुत आसान है बच्चों a तो a कितना है यहाँ पे एजम्पशन आपने कर दिया 17.5 प्लस एफ आई डी आई 12 अपॉन कितना आया 13 तो 75.5 प्लस आपने कट कर दिया है 3 से तो ये 4 एंड बाय 10 सो 0.4
तो एग्जैक्ट आंसर 75.9 ऑफ मीन। चलो क्लियर। सो हार्ट बीट जो एवरेज हार्ट बीट से वो कितना है 75.9 है। चलो क्लियर, समझ में आ गया कितना इजी है, बिकॉज दिस इज द अज्यूमिंग मेथड्स। ओके, यही सम कॉस्ट स्टेप डेविएशन से भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, बट सीबीएसई सिलेबस में दिस टाइम इज नॉट इन इन योर सिलेबस। फर्स्ट एक बार दिस हैपन, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 अब देखते हैं। मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अगे क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर हमारे पास डिटेल्स है, नंबर ऑफ मैंगोस। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ मैंगोस मैं यहां पे लिख देता हूं। नंबर ऑफ बॉक्सेस, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी, राइट? और मैंगोस आर 50 to 52, 53 to 54, 54 to 56, 56 to 58, 53 to 55, यानी वन मिसिंग, 56 to 58, 59 to 61, एंड 62 to 64, 115, 135, 115 and 25। ओके, चलो डेटा के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे स्टेप डिवीजन लेना बहुत आसान होता अगर हम लोग सॉल्व करते, तो सिग्मा है 5, ये कितना है टोटल 400 है। चलो सबसे पहले क्लास मार्क, अब यहाँ पे एक चीज याद रखें, आपका जो है ना वो बाउंडेड नहीं है, 50 से 52, फिर 53 से 55 है, 56 से 58 है, अनबाउंडेड है, बट है इक्वल क्लास लेंथ वाला, राइट? कंटिन्यूस ही है, इक्वल क्लास लेंथ वाला है। तो देखो 50, 51, 52, तो यहाँ पे 52 को आपको इंक्लूड करना है, 10 to 20, 20 to 30 था, तो 20 इंक्लूड नहीं करते थे, ठीक वैसे यहाँ पे 52 को इंक्लूड करना है। तो आपका क्लास लेंथ है वो कितना हो गया, ओके 3 हो गया, क्लास लेंथ कितना हो गया 3, राइट? चलो याद रखना है बच्चों, तो ये 3, चलो इनका तो क्या हो जाएगा 51 प्लस मार्क, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, तो 50 प्लस 52 बाय 2, 102 बाय 2, 51 होता है, क्लास लेंथ 3, तो ऐड करते जाओ 54, फिर 3 ऐड करोगे 57, ओके 60 हो गया, एनी हो गया 63। मैं अभी इसको ए एजम्पशन कर लेता हूँ, राइट? तो यहाँ पे मेरा डीआई इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्सआई माइनस 57, क्योंकि मैंने ए एजम्पशन कर लिया 57। चलो फिर आएगा एफ आई डी आई, -3, -3, 3 and 6, राइट? बहुत आसान है, चलो मल्टीप्लाई कर दो एफ आई इंटू डी आई, थोड़ा लंबा होगा इसमें, तो कितना हो जाएगा -19, 56। ओके 10, सो -330, उसके बाद 0, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ से 45,
345 राइट एंड 150 एंड 150। चलो बहुत सीधी बात है, ऊपर जो नेगेटिव टोटल आ रहा है ओके नेगेटिव वाला नंबर्स का, सो टू तो कितना हो रहा है माइनस 3 एंड 12 तो 30, यहाँ पे 70 डाल दो कितना था माइनस 420 होता है, और जो पॉजिटिव टोटल है उसका 5 और 9 एंड 4 सो 5 7, तो आपके पास आ रहा है पॉजिटिव 75 आ रहा है, कितना आ रहा है पॉजिटिव 75 राइट। अब तो सब कुछ क्लियर हो गया यहाँ पे, तो चलो एक कौन सा कॉलम आया FIDI समेशन, इसका टोटल आ गया राइट। सो मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, ए प्लस समेशन FIDI अपॉन ए प्लस FIDI अपॉन समेशन FI। चलो क्लियर राइट ओके। तो ए कितना है आपने एजम्पशन कर दिया 57 प्लस FIDI आपके पास है 75, ए कितना है 400 ओके। अब 400 है सो 5 से अगर कट कर रहे तो भी क्या हो जाएगा, तो नियरेस्ट 100 के तौर पे लाओ, तो एक काम करते 75 बाय 4 कर देते सबसे पहले राइट। तो 57 प्लस देखो 75 4 बाय 100 मैंने अलग कर दिया तो डिवीजन कम हो जाएगा इसीलिए 4, सो 4 टू जार तो 4 वन जार 4 35 आया, 4 8 जार 32 83 हुआ ओके। डेसिमल आपने इनपुट कर दिया 4 7 जार कितना होता है 428 20 तो 5 राइट। तो कितना गया अभी मैंने कुछ नहीं किया तो 57 प्लस 18.75 बाय 100 इज इक्वल टू 57 प्लस 0.19 भी ले सकता हूँ या 0.8175 सो मेरा आंसर आया 57.19 ओके। टू डिजिट तक अगर रखना है तो राइट, तो मुझे क्या मिल गया मीन मिल गया बच्चों क्लियर ओके। तो दिस वन इज अवर आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्लियर है आसान ठीक, वैसे क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं ओके। सो कॉपी दैट एंड क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 यस इस मेथड को हम लोग एक बार स्टेप डेविएशन से चेक करते हैं ओके, सीखना जरूरी है इसीलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे स्टेप डेविएशन मेथड्स ओके। तो सबसे पहले डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीस, क्लास है मेरे पास 100 टू 150, 150 टू 200, 200 टू 250, 250 टू 300 एंड 300 टू 350 राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, दो चीज हमारे पास क्लियर, नंबर ऑफ हाउस होल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको स्टेप डेविएशन से करना है ओके। इस क्वेश्चन को किससे करना है बच्चों, स्टेप डेविएशन से ओके। तो टोटल जो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी का वो कितना है 4 5 12 2 एंड 2 सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी कितना है 25 बराबर 9 हो गया और ये 13 प्लस 12 25 अच्छा। अब यहाँ पे जैसा DI लेते थे एजुमेंट में, यहाँ पे ऐसे उसको UI लेना है, लेकिन थर्ड कॉलम तो सब में सेम रहता है क्लास मार्क, तो क्लास मार्क कौन है XI
बराबर। तो इसके लिए आपको याद रखना है पहले क्लास इंटरवल या क्लास लेंथ। हम लोग इसको एच कहते हैं, तो एच नॉर्मली क्या है देखो 50 है, कितना है 50। चलो इन दोनों का 100 प्लस दिस ओके 150, 150 का हाफ कितना होता है 75, कितना है 50, 50 50 ऐड करते जाओ, यहाँ पे थोड़ा बड़ा है ना इसीलिए। चलो 175, बहुत इजी मेथड है ये वाली। तो सो यहाँ पे एक्स आई माइनस ए अपॉन सी लेना, एच लेना है, एच मतलब आपका क्लास इंटरवल ओके। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है एफ आई यू आई, जैसे डी आई लेते थे यहाँ पे क्या है यू आई स्टेप डेविएशन के अंदर, राइट। तो देखो यू आई की फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए कितना लिया आपने 175 अपॉन एच, एच कितना है आपका 50, राइट। ये वाला अब कोई भी इक्वेशन पुट करके देखो, सबसे पहले तो 75 माइनस 175 तो जीरो हो जाता है, राइट। अब आप 75 माइनस 175 सो माइनस 100, राइट। तो वो माइनस 100 डिवाइड बाय 50 कितना होता है माइनस 2 होता है, कितना होता है माइनस 2, राइट। तो ये माइनस 2, तो ये माइनस 1 है, तो आप डायरेक्टली रख सकते हो ओके। इसमें कंपलसरी यही आंसर आने वाला है। अब यहाँ पे एफ आई यू आई है, तो देखो कॉलम 2 और कॉलम 4 माइनस 8, सिंप्लीफिकेशन बहुत स्मॉल हो गया, सो 2 एंड 2 आर 4, तो 6 यहाँ से चला जाएगा। मान लो आपके पास तो माइनस 7 आ गया, तो समेशन एफ आई यू आई आपको मिल गया माइनस 7, राइट। इतनी चीज आपके लिए साफ थी। अब इसके लिए मीन की फॉर्मूला आपको याद है, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई डी आई की जगह पे यू आई इंटू एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंटू एच, एच का जो प्रोडक्ट है इसके साथ ए के साथ नहीं है, राइट। तो चलो ए की वैल्यू कितनी आ गई 175 प्लस एफ आई यू आई कितना है बच्चों माइनस 7, तो प्लस माइनस 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 7, ये कितना हो गया 25, ए कितना है 50, आपने कट कर दिया 2, सो 175 माइनस 40 सो 1, ये कितना हो गया 6 एंड 1, तो आपका आंसर हो गया 161 ओके, जो आपने एजम्पशन किया था ओके इसलिए। तो ये हमारा मीन आ गया ओके। तो ये मेथड है ना हमने स्टेप डेविएशन से की ओके। बट एक चीज याद रख लो, इसको आप एज्यूमिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, अंडरस्टैंड, क्योंकि आसान भी है और कर सकते हो देखो ए, पर सीबीएसई में ए इस बार नहीं है ओके। सो स्टेट बोर्ड वाले ध्यान रखे कि उसको ये पैटर्न करनी है, तो काम आसान हो जाएगा। चलो क्लियर ओके, अंडरस्टैंड भाई। अब चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन ले लेते हैं 7, इसको एज्यूमिंग से भी सॉल्व कर सकते हो और करना ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले ओके। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज हमें फ्रीक्वेंसी दिया और एनपीपीएम दिया है ओके। एसओ फोर कितना है कॉन्सेंट्रेशन, तो वो ढूंढना है ओके। तो चलो क्वेश्चन नंबर के अंदर देख लें, ये भी स्टेप डेविएशन से बहुत आसान तरीके से हो सकता है, पर ठीक है हम एज्यूमिंग से ही करेंगे। कोई भी मेथड लो आंसर सेम ही आता है ओके। तो चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसओ टू इन पीपीएम उसके बाद फ्रीक्वेंसी ओके पहले 0.0 से 0.04 राइट, 0.04 टू 0.08, 0.08 टू 0.12, 0.12 टू 0.16 ओके, 0.16 टू 0.20 एंड 0.22
4.24 4.9942 फ्रीक्वेंसी का टोटल। चलो चलो इसमें भी आप स्टेप डेविएशन बहुत इजीली कर सकते हो। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 30, बार चेक कर लो 18 प्लस 2 20 एंड राइट 30 है। अब उसके बाद क्लास मार्क एक्स आई मिड वैल्यू कह सकते हो। उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी डी आई की, हम अभी उससे कर रहे हैं इसीलिए। सो एक्स आई माइनस ए लास्ट कॉलम आपकी आएगी एफ आई डी आई। इसका है तो 0.02 क्लास लेंथ, हमारा क्लास लेंथ कितना होगा, क्लास लेंथ एच इज इक्वल टू राइट 0.04 होगा राइट, क्योंकि इंच इतना ही गैप आ रहा है, बाउंडेड है इसकी वजह से 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 4 नहीं ले सकते इसकी, ऐड करते जाओ 0.06, 0.10, 0.123, 14, 0.18 एंड 0.22 राइट। मेरा कोई भी एक है जो इवन आए तो कोई भी आप एजम्पशन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैं इसको एजम्पशन कर रहा हूँ हाँ ओके, जिसका मेरा सब्ट्रैक्शन इजी रहे। तो माइनस 0.08 आ जाएगा, माइनस 0.04 इज 0, फिर प्लस 0.04 प्लस 0.8 एंड प्लस 12 राइट, ऐसा आएगा ओके। अब मल्टीप्लाई देखो, बस इसमें यही प्रॉब्लम है डी आई में, अगर यू आई करते हैं ना स्टेप डेविएशन से तो ये नेगेटिव मतलब जो डेसिमल नंबर से वो चले जाते हैं, कोई बात नहीं, अब आंसर से मतलब है। सो माइनस 0.32 हो गए, चलो इसका माइनस 0.36 इज 0, फिर इसके बाद 0.08 ओके 0.32 एंड 0.24 राइट। चलो यहाँ पे 32 कैंसिल, ए कितना हो जाएगा 32, तो माइनस 0.04 आया राइट, क्या आ गया माइनस 0.4 बराबर है। चेक कर लेते फिर से एक बार टोटल नेगेटिव और पॉजिटिव का, 32 कैंसल 24 एंड 8 तो 32 होता है बराबर माइनस 0.4 आ गया राइट। चलो मीन, सो मीन की फॉर्मूला क्या है फॉर एज्यूम मीन मेथड्स, तो ए प्लस साइड में लिखते रहना डी आई एज्यूम मीन मेथड, यू आई स्टेप डेविएशन एंड डायरेक्ट मेथड एक्स आई टू ओके। तो यहाँ पे समेशन एफ आई यू आई अपॉन सम ऑफ सॉरी डी आई इंटू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, चलो ए कितना आपने एजम्पशन किया 0.12, ये माइनस 0.04 आया 0.04 और अपॉन में कितना है फ्रीक्वेंसी आपकी 30 है राइट ओके। चलो 0.10 माइनस यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है उसके हिसाब से आप क्या करोगे 4 और नीचे हो जाएगा आपके पास और 20 ओके, सो 3000, तो 0.10 माइनस 4 अपॉन हम लोग 0.4 वॉट एवर, सो 3 करके बाद में 1000 कर दिया मैंने अलग। चलो सबसे पहले 4/3, तो 4/3 कर देते तो 3 × 3 सबसे पहले ओके, सो डेसिमल 3×3 = 9 अगेन, सो 133 समथिंग आएगा राइट। तो कितना हो जाएगा 1.10 माइनस 0.13333 ओके ऐसा, और नीचे 30 थे तो हम लोग क्या करेंगे 30 है तो और आगे क्या हो जाएगा 0.00013333 समथिंग आएगा, चलो माइनस कर दो राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा अल्टीमेटली मीन की वैल्यू मिल जाएगी ओके। चलो कितना आएगा तो 0.10 में से सब्ट्रैक्ट कर दो आपका आंसर ओके, नजदीक आना चाहिए अप्रोक्सीमेट ओके, फिर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा एक परसेंटेज इसीलिए ओके। तो कितना आएगा बताओ बराबर, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट है
आंसर। एफ आई डी ऐसे किया है इसीलिए। ओके तो फास्ट ने चेक किस आंसर यहाँ पे है ना 0.10000 समथिंग एंड 0.00013 राइट। सो मान लो कि 10 ए आपका है तो 7 आ गया, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9999 राइट। ये तो वैसे भी कट है, कट हो जाएगा यहाँ से, ये तो 0 हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अप्रोक्सीमेट 0.99 तो 0.0999 ओके कितना आ गया 0.999 समथिंग आ गया राइट। ओके आगे है बहुत नंबर लेते हैं तो इट इज योर परफेक्ट आंसर। चलो क्लियर 0.0999 अंडरस्टैंड क्लियर समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। ओके चलो तो अब 8 वाला चेक कर दे बच्चों। 8 वाला क्वेश्चन देखो आपके अंदर यहाँ पे इक्वल क्लास नहीं है, याद रखना जब भी इक्वल क्लास नहीं है तो आपको एफ आई एक्स आई लेना है। तो पूरे क्लास जो लेंथ है ना वो चेक करनी है, खाली एक दो क्लास देख के मत शुरू कर देना वरना कंफ्यूजन होगा। ओके आप रॉन्ग भी हो सकते हो, थोड़ा वेरिएशन आएगा आपके आंसर में। ओके तो ये चेक करना है तो चलो देख लेते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 8 तो हमें दिया है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज द फ्रीक्वेंसी 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, and 38 to 40. क्लास मार्क नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हम लोग डी आई से ही करेंगे तो सीधी बात है डायरेक्ट एफ आई एक्स आई कर देते हैं। डी आई से ज्यादा बोले थोड़ा लंबा हो राइट, तो जब अनइक्वल क्लास लेंथ है तो ये बेनिफिट रहेगा। वैसे डी आई से भी आंसर तो आ ही जाएगा इसका भी। ओके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फ्रीक्वेंसी क्या है इस सम के अंदर, फ्रीक्वेंसी बच्चों 11, फिर 10, फिर 7, 4, 3 and 1 राइट। सम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे टोटल कर दो तो कितना है 40। ओके ए हो गया 21 और 9 ओके 40 एंड 40। चलो क्लास मार्क ये तो कंपलसरी करना पड़ेगा राइट। तो 0 प्लस 6 कितना होता 6 6 बाई 2 3 अलग अलग आएगा तो 16 बाई 2 8 हुआ। 24 का कितना होता है 12, इंडिविजुअल आएगा सबका। ओके अब ये कितना हो गया 34 बाई 2 17 48 का होता है 24। ओके ये 10 हुआ क्योंकि देखो अनइक्वल है तो 18 16 बन गया 66 का हो गया 33 और लास्ट में हो गया 78, तो 78 का हाफ हो गया और 39 राइट, कितना हो गया 39। ओके तो आपको सारे अलग अलग मिल गए। तो इस टाइम के अंदर एडीआई करते हैं ना तो बिटवीन लेना पड़ता है जिसका सब्ट्रैक्शन आप
कोई बात नहीं, आप मल्टीप्लाई करते जाओ, 11 थ्री जब 33, 18, 84, 68, 96, 99 एंड 39, तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई। चलो बहुत आसान है, तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई उसका टोटल अल्टीमेटली आएगा, ओके हम यहाँ पे तो 499 राइट। तो चलो मीन कितना होगा बच्चों, मीन इज इक्वल टू यहाँ पे सिंपल समेशन एफ आई एक्स आई अपन समेशन एफ आई या एन भी कह सकते हो। सो 499 डिवाइड बाय कितना है 40 राइट, ओके तो कैसे करेंगे 499 इंटू 4 बाय 10 आसान। सो 499 बाय 4, 4 बन जा ये 4 है राइट, 0 फिर 9 2 जा 8, 19 आ गया तो 6 हो गया, कितना 6 तो 16 हो गए, सॉरी 4 इधर 4 4 जा 16, 16 मतलब 3 ओके 30, सो 39 तो कितना हम लिख सकते हो 7 जा 4 7 जा ओके, तो आंसर इज इक्वल टू पहले तो 124.75 डिवाइड बाय 10 एक डेसिमल और, सो 12.47 या 48 ले सकते हो, एक डेसिमल इंक्रीज हो जाएगा राइट। सो आवर मीन इज इक्वल टू आपको मिल गया 12.48। चलो क्लियर ओके, ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है 9 वो आप कर सकते हो, स्टेप डेविएशन या अज्यूमिंग मेथड दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो इसको राइट। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो मोड होगा, अंडरस्टैंड, तो इसकी और प्रैक्टिस करते रहना, टाइम कंज्यूमिंग और कुछ नहीं, बहुत इजी है, कौन सी मेथड कब यूज करनी है वो मैंने लिखवा है उसी को फॉलो करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, टिल देन एंड बाय बाय।